हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मारू लाइट में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। एलविश यादव ने एक दिन पहले अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था अपना गाँव, एंड उस वीडियो पर किसी भी यूट्यूबर ने एलिगेशन लगाया कि एलविश यादव ने उनका सॉन्ग कॉपी किया है। तो चलिए मैं आपको उस वीडियो की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। 12 दिसंबर जो आ रही थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये गाना मैं निकालूंगा। इस गाने को मैंने रिकॉर्ड किया 2 दिसंबर 2020 को। जब मैं ये गाना शूट करने जा रहा था, मैंने इसको फ़ोन भी किया कि भाई एलविश ऐसे ऐसे बात है और मैं इस गाने को शूट करने जा रहा हूँ। तो ये कहता है कि यार भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये गाना तो मैं निकालने वाला था ना। तो मैंने बोला कि भाई तू अपनी कंपोजिशन में निकाल लियो, लेकिन अब 12 दिसंबर को ये मैं गाना निकाल रहा हूँ तो तू उसके बाद निकाल लियो। तो कहता है कि यार फिर तो ये मेरा तो कवर सॉन्ग बन के रह जाएगा। मैंने बोला यार कवर सॉन्ग तू निकाले मैं निकालू, इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। और भाई है यार, जब मैंने मतलब मेरे गाने को मैंने लिखा है, मुझे इसे शेयर करते हुए मतलब थोड़ी सी भी ये झिझक नहीं हुई कि यार ये मैंने गाना लिखा है, तो मेरे ख्याल से इसको भी झिझक नहीं होनी चाहिए थी। जब इसने 2 दिसंबर को जब मैंने इसको बताया, तो इसने बोला कि भाई मैं इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है, पार्टिसिपेट मतलब इसने बोला कि भाई मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा। मैं ठीक है भाई मत करना, मेरे को जरूरत नहीं है। इसने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप शूट करो। मैं शूट करके आया 4 दिसंबर को, मैंने लोकेशन वगैरह भी दिखाई सब लोगों को, स्टोरी में आप सब लोगों ने देखी भी होगी, और जिसने नहीं देखी वो कल सॉन्ग में देख लेना कि यार कितना बढ़िया चीज़ है। इसने क्या किया, 7 या 8 दिसंबर को स्टोरी डाली कि आप सब लोगों के लिए सरप्राइज़ आ रहा है। तो मैं नहीं सोच सकता था कि भाई ये यही गाना निकाल देगा, और ना ही इसने मुझे बोला कि भाई मैं ये गाना निकालने जा रहा हूँ, जबकि इसको बोलना चाहिए था और बताना भी चाहिए था कि भाई मैं अपनी कंपोजिशन में ये गाना निकाल रहा हूँ। इसको पता चल गया था कि भाई 12 दिसंबर को इसका गाना आ रहा है, तो इससे पहले निकाल देता हूँ ताकि ना लोगों में मतलब ये हो जाएगा कि हाँ भाई एल्विस ने अपना गाना निकाल दिया। और इसने लिखा भी यही, एल्विस यादव प्रेजेंट्स अपना गाँव। बट कोई बात नहीं, फिर इसने नीचे लिखा भी हुआ है कि लिरिक्स क्रेडिट यंकी विकास। अगर भाई ये क्रेडिट देना होता है ना, तो बताना भी जरूरी होता है जिस बंदे का ये गाना है। जबकि मैंने इसको बताया कि मैं तो शूट करने जा रहा हूँ, 12 दिसंबर को ये गाना निकाल रहा हूँ, जबकि इसको पता था कि भाई मेरी बहन का बर्थडे है और इसका ये ड्रीम है ये गाना निकालना है। उसके बावजूद इसने उस दिन ये निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसको बोला कि इस गाने को हटा, डिलीट कर। तो कहता कि भाई इसके तो ऑलरेडी 2 लाख व्यूज़ हो चुके हैं अभी, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर। अभी तक एलविश यादव का कोई रिप्लाई नहीं आया इस एलिगेशन के ऊपर। जैसे ही वो रिएक्ट करते हैं, मैं आपको उनका रिएक्शन इसी चैनल में दिखा दूंगा। तो चलिए अब अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। और अगली न्यूज़ है ट्रिगर इंसान की तरफ से। ट्रिगर इंसान अपने सेकंड चैनल में कल लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, एंड उनको लगा, कुछ देर के लिए लगा कि उनका चैनल हैक हो गया। तो चलिए मैं आपको उनकी लाइव स्ट्रीम की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। अरे मेरी अरे स्ट्रीम यार रुक गई क्या? 1 सेकंड रुकियो। लाइव इंसान स्ट्रीम इज ऑफ। हाँ तेरा इंटरनेट मेरे को लग रहा है मेरा ना हैक हो गया। कुछ भी क्या है? ओबीएस व्हाट मेरा हैक? अकाउंट हो गया। कौन सा? यूट्यूब? एक सेकंड। नहीं रे कुछ भी क्या। नहीं गिव मी अ रीजन फॉर दैट। व्हाई व्हाई यू सेइंग दैट? क्यों ऐसे बोल रहा है हैक हुआ पहले तो? यार एक बात बताना, नेट चल रहा है सब चल रहा है तो स्ट्रीम क्यों बंद हो गई? दैट समझ इज नहीं ओके आया। दैट इज ओके। वो मेरा बहुत बार हुआ ऐसा। अभी पूरा चैट चालू करेगा, ट्रिगू हैक, ट्रिगू हैक। हाँ नियॉन मैन भी कल कर न्यूज आएगी भाई, कल नियॉन न्यूज मैन आएगी ट्रिगू भाई। हैक क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। हाँ अरे यार चैट में चालू कर दिया, अरे ट्रिगू हैक नियॉन मैन नियॉन मैन। कुछ कह नहीं सकते, सच में भी हो सकता नहीं है रे, मतलब। ऐसे ऐसे हैक नहीं होता। हैक का दिस इज नो वे रिलेटेड टू हैक ना। बट अरे मैंने सच्ची में क्या कहते हैं स्ट्रीम को की को रीसेट किया एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग का दबाया, तो लाइव क्रिएट ही नहीं हो रहा। माई फ्रेंड इज नॉट हैक्ड। ओ आई एम नॉट हैक्ड। वाओ कैन वी हैव इसी ना इसी बात पे एक लाइक? बच्चे नो हैक नो हैक नो हैक। ये। तो चलिए अब अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। और अगली न्यूज़ है देसी गेमर की तरफ से। देसी गेमर कल अपने यूट्यूब चैनल में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, एंड किसी बंदे ने कमेंट करके उनको पूछा कि भाई आप इतना क्लिक बेट क्यों करते हो। तो उसके बारे में वो रिप्लाई करते हुए ये कहे। तो चलिए मैं आपको उनकी लाइव स्ट्रीम की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। भाई यू आर नॉट इन फोन प्लेयर, सो वाई यू क्लिक बेट? ये लॉजिकल क्वेश्चन भाई, ये लॉजिक। आज के थंबनेल में गाइस मैंने फोन का लगाया है। सच बोलूँ तो गाइस मैंने ना थंबनेल चेंज किया है, सबको पता होगा, क्योंकि वो थंबनेल ऑलरेडी यूज था देसी आर्मी पे जो मैंने पहले लगाया था। उसमें पीसी के सामने बैठा हुआ मैंने फोटो लगाया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को नया थंबनेल लगाने के चक्कर में चेंज कर दिया। ये लॉजिकल पॉइंट है,
इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, ये लॉजिकल टू है। बट अगर तुम क्लिक बेट की बात करते हो ना गाइज, अगर तुम अमित भाई को क्लिक बेट यूज करते हो तो पूरा कम्युनिटी क्लिक बेट से भरा पड़ा है, तुम लोग जाके देखो भाई। आई गिफ्टेड इतना डायमंड्स बोल के भाई 1 करोड़ डायमंड थंबनेल छाप देते हैं, वो क्लिक बेट नहीं होता। हम लोग तो भाई क्या बोलो भाई, छोड़ो भाई। अगर तुम यहाँ ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने थंबनेल में दिखाया है कि वो फोन में पकड़ा हुआ है, वो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। बट अगर तुम बाकी चीज़ों में क्लिक बेट की बात करोगे तो भाई, अगर सबसे शायद सबसे कम तो मैं ही करता हूँ, सच बोलो तो। फोन में भी करेंगे गाइस, डोंट वरी, फोन में भी स्ट्रीम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। फोन में मैं खेलता हूँ, करता भी हूँ, लाइक टूर्नामेंट खेला था बहुत दिन पहले हम लोगों ने फोन में स्ट्रीम के साथ। बात ऐसी आ गई गाइस, जो बड़े क्रिएटर होते हैं उसको सब टारगेट करते हैं, जो बड़े क्रिएटर होते हैं ना उन पे लोगों को व्यूज मिलता है, ठीक है, सब टारगेट करते हैं। और अपना दोस्त भाई बंधु अगर कुछ करे तो सब सही होता है, वही चीज़ है भाई, मैंने देखा हुआ है सब कुछ, झेला हुआ है। और कुछ नहीं भाई, और हाँ गाली देके कोई कूल नहीं बनता, ठीक है, ये चीज़ याद करना, गाली से अपनी संस्कार सभ्यता ये झलकती है। तो चलिए अब अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, और अगली न्यूज आजूज की तरफ से। आजूज ने ध्रुव मोहनचिक के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने उनका कंटेंट पूरा कॉपी किया है। तो चलिए मैं आपको उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। फॉर ध्रुव मोहनचिक आई एम फोर्स्ड टू यूज द वर्ड कॉपी बिकॉज ही हैज नॉट ओनली रिप्ड मी ऑफ बट अदर क्रिएटर्स एज वेल इन जस्ट वन ऑफ हिज वीडियोस। जस्ट द डिफरेंस इज उसकी वीडियो का 90% मेरी वीडियो से उठाया गया था, लाइन टू लाइन, जोक टू जोक, पॉइंट टू पॉइंट, जो मैं तुम लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ। You're super zoomed in close to the camera. Is that on purpose? एकदम कैमरे के अंदर घुस जा, ना के बाल दिखा दे इसे अपने। भैया जी माना हमने तुम भैया दिखते हो, चॉकलेटी बॉय हो, मैं क्या तुम्हारी पहन। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है तुम कैमरे के अंदर अपना मुंह घुसा दोगे। You're super zoomed in close to the camera. Is that on purpose or? भाई इफ आई एवर वेंट लाइव विद जस्टिन बीबर ऑन इंस्टाग्राम, एक्साइटमेंट के मारे मैं भले ही पैंट में बुद्धू, लेकिन मैं ऐसे कैमरा के अंदर नहीं घुस जाऊंगा उसके। You like my music? एक तो यार तुम साला पहले अपना जियो का रिचार्ज जो तुम्हारा एक्सपायर हुआ है इसमें रिचार्ज कराओ 399 रुपए का। ऐसा लग रहा है जैसे 20 kbps की स्पीड से लाइव गया हो। अच्छा नेटपैक पड़वा भाई, सारा का सारा पैसा अपने बाल और मेकअप में खर्च करना है क्या? या फिर हो सकता है टोनी सक्कर के गानों पे अपनी रामकली मटका मटका के इन्होंने पूरा का पूरा डेटा खत्म कर दिया हुआ। यू लाइक माई म्यूजिक? हक दिया ना, एक शब्द समझ में नहीं आ रहा। ये जो तुम जियो के 128 kbps पे लाइव जा रहे हो ना जस्टिन बीबर के साथ, चूती ये जो तुम अपने स्टोरी पे दिखाते रहते हो ना कि हाँ देखो हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, और ये कैल्विन क्लाइन के बैग्स और एडिडास के बैग्स दिखाते हो तुम शॉपिंग, जो भले ही खाली हो, रिचार्ज करवा लेता लाइव जाने से पहले, रिचार्ज करवा लेता, क्योंकि तुमने अपना सारा डेटा तो फिल्टर डाउनलोड करने में और हेयर मेकओवर की वीडियोस देखने में ही उड़ा दिया। भाई तू इस पॉइंट पे अगर एयरटेल भी बोल देता ना तो मैं कुछ नहीं कहता। नहीं तुमने नीच वाली हरकत करनी है, तुमने दिखाना ही है तुमने यार। इसके ऊपर धीरू मुंशिक अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किए, जैसे वो रिएक्ट करते तो मैं आपको सबसे पहले उनका रिएक्शन इसी चैनल में दिखा दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना सही, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना।